हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जिसे डर्मेटाइटिस या तो फिर एलर्जी भी बोला जाता है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जी, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसके इलाज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और कुछ मिथ्स है जो कि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्जिमा में होता क्या है। तो एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है, हमारी स्किन की एक बीमारी है जिसमें हमारे स्किन के ऊपर लाल चकत्ते पड़ते हैं शुरुआती स्टेज में, बाद में उसमें छोटी छोटी फुंसिया टाइप भी हो सकती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, और बाद में वो बहुत ही क्रोनिक कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और वहाँ पर वो जो निशान है वो काले रंग का या फिर भूरे रंग का भी हो सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग चलती है और वो वहाँ पर दरारें भी पड़ सकती है, स्केली स्किन बन सकती है, वहाँ पर उसकी जो परत है वो उतर सकती है, ऐसी स्किन बन जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग चलती है, और बाद में उसमें कोई और अदर इन्फेक्शन भी लग सकते हैं जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, पानी भी पड़ सकता है तो, और ये वहाँ पर जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये थे एक्जिमा के साइन एंड सिम्टम्स, और अब हम बात कर लेते हैं एक्जिमा की कॉजेस के बारे में कि एक्जिमा होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि एक्जिमा का कोई एग्जैक्ट नोन ऐसा कोज नहीं है, एक्जिमा का जो कोज है वो अननोन कोज है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि एक्जिमा को अफेक्ट करते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक्स, यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को एक्जिमा रहा है तो उसके बच्चों में वो डेवलप हो सकता है, जेनेटिकली ये ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी बात है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो बाहर की धूल मिट्टी की वजह से ये डेवलप हो सकता है, बाहर की जो फूल और जो पौधे होते हैं और उसके फूल होते हैं उसमें जो परागकण होती है उससे किसी को एलर्जी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। या फिर कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर बच्चों को पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में रखा हो, बाद में उसको वो बाहर ऐसा बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं या फिर गांव कस्बों में जाते हैं तो उसको एलर्जी डेवलप हो सकती है कोई सीजनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि मॉनसून से विंटर में सीजनल चेंज होता हो या विंटर से समर में सीजनल चेंज होता हो, मौसम के बदलाव के दौरान ये एक्जिमा डेवलप हो सकता है, खुजली चल सकती है। और एक बात है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व जैसे कि फैटी एसिड है, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी की कमी से भी ये हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से अगर माल न्यूट्रिशन होता है तो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी कम होती है और उसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एक्जिमा के केसेस में एलर्जीज के कारण जो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के जो केस है वही ज़्यादातर सामने आते हैं, जो लोग किसी एलर्जेंट या फिर इरिटेंट के संपर्क में आते हैं और उसकी वजह से इसको ये एक्जिमा डेवलप हो सकता है। तो जो एलर्जेंट्स और इरिटेंट्स है उसके बारे में हम बात करें तो उसमें जो जनरली हाथों में जो एक्जिमा होता है या फिर कलाइयों में जो एक्जिमा होता है वो साबुन, डिटर्जेंट या फिर कोई वॉशिंग पाउडर की वजह से हो सकता है, कलाइयों में पहनने वाले ब्रेसलेट या मेटल के हो सकते हैं उससे हो सकता है एलर्जी, उससे एक्जिमा डेवलप हो सकता है, वॉच कोई पहन रहा है तो उससे भी ये डेवलप हो सकता है, और कुछ लोग हैं जो कि ग्लोव्स वगैरह पहनते हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ग्लोव्स की वजह से भी ये एक्जिमा डेवलप हो सकता है, और कुछ वर्कर से जो सीमेंट वर्क करते हैं या फिर कोई ऐसा वर्क है जो ऑयल या ग्रीस की काम करते हैं तो उसकी वजह से उसको एक्जिमा हाथों में या कलाइयों में डेवलप हो सकता है। और पैरों के बारे में बात करें तो पैरों में जनरली जो लोग रबर प्लास्टिक के शूज़ पहनते हैं, बहुत लंबे समय तक पहनते हैं, उसको ये शूज़ या फुटवेयर की वजह से एक्जिमा डेवलप हो सकता है। या फेस की हम बात करें तो फेस में जनरली महिलाओं में लिपस्टिक वगैरह कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, कोई केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसे है तो इसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है, और हेयर डाइज की वजह से ये एक्जिमा डेवलप हो सकता है, और भी कई सारे इरिटेंट्स और एलर्जेंट्स होते हैं जिसके कॉन्टेक्ट में आने से ये एक्जिमा डेवलप हो सकता है। तो सारे तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ कुछ हमने बताइए
इसके कॉन्टेक्ट में आने से एक्जिमा डेवलप हो सकता है। तो अब हम बात कर देते हैं कुछ एक्जिमा के बारे में, मिथ्स के बारे में। तो जनरली लोग यूट्यूब में और कई सारी जगह पर, कई सारे प्लेटफॉर्म पर बताते हैं कि एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन को एक ही बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन दोनों अलग अलग कंडीशन है और दोनों की ट्रीटमेंट अलग होती है, तो इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात है कि एक्जिमा कई लोग यूट्यूब में या फिर ऐसे ही बोलने लगते हैं कि 100% एक्जिमा को जड़ से ख़त्म करें, जड़ से इसका इलाज, ऐसे थंबनेल्स लगाने लगते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि एक्जिमा का परमानेंट इलाज है ही नहीं, अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं आया जो एक बार आप ले लो तो फिर बाद में आपको फिर से वो एक्जिमा की कंडीशन है वो ना हो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्जिमा एक एलर्जिक कंडीशन है, तो उसमें हम काफ़ी हद तक इसके जिस वजह से एलर्जी हो रही है या एक्जिमा हो रहा है उसको हम हटा दें तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक वो ट्रीटमेंट की वजह से हम काफ़ी हद तक उसमें सुधार ला सकते हैं, और अच्छा होने के बाद बहुत लंबे समय तक हम अगर ध्यान रखें तो फिर से वापस ना हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि जो एक बार आप ले लोगे तो फिर से वापस नहीं होगा। तो ये कुछ मिथ्स है तो आपको जान लेने चाहिए। तो और अब हम बात कर लेते हैं कि एक्जिमा के ट्रीटमेंट के बारे में, कि एक्जिमा में क्या इलाज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्जिमा दो टाइप का एक्जिमा होता है, एक होता है ड्राई एक्जिमा और दूसरा होता है वेट एक्जिमा। एक्जिमा एक क्रॉनिक कंडीशन है, ये चलती ही रहती है, जैसे कि हमने बात की थी, ठीक नहीं होती, परमानेंट नहीं जाती। तो जो क्रॉनिक ड्राई एक्जिमा होता है उसमें क्या होता है कि जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, रूखी सूखी होती है, वहाँ पर परत उतरती है, उसमें इचिंग आती है, ऐसा एक्जिमा का पिक्चर होता है जो हम यहाँ पर ड्राई एक्जिमा का पिक्चर दिखा देंगे। और इसमें हम बात करें दवाइयों की, तो इसमें सबसे पहले तो आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। मॉइस्चराइजर में आपका निविया का क्रीम आता है, लगा सकते हो, या कोई और भी मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। मैं कोई कंपनी या ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ, कोई भी आप ले सकते हो। मॉइस्चराइजर आपको लगाना है, एक्जिमा ठीक होने के बाद भी आपको मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है। और दूसरी बात है कि टेबलेट में खुजली को बंद करने के लिए आपको टेबलेट सेट्रेजिन या तो फिर लिवोसेट्रेजिन आपको दिन में एक बार या दो बार आपको लेनी होगी, जिससे कि खुजली उससे बंद हो जाए। और ऑइंटमेंट और क्रीम की बात करें तो इसमें सैलिसिलिक एसिड और क्लोबेटाजोल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे एक क्रीम आप ले सकते हो जिसमें स्टीरोइड बेस रहता हो, क्लोबेटाजोल और सैलिसिलिक एसिड। क्लोबेटाजोल एक स्टीरोइड है, तो वो भी आप लगा सकते हो दिन में एक या दो बार, उससे भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और अगर आप ये दवाइयाँ यूज़ करते हो और उससे भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर्स आपको इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आपको इंजेक्ट कर सकते हैं। जिस भी पार्ट में आपको एक्जिमा हुआ है वहाँ पर डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि स्टीरोइड इंजेक्शन होता है। इसमें इंजेक्शन केनाकोट या जिसमें कंटेंट रहता है ट्राइमासिनोलोन 40 मिलीग्राम का आता है, वो आपको इंट्रालीजनल लगा सकते हैं। वो हफ्ते में एक बार ही लगाया जाता है, 3 या 4 हफ्तों तक आपको लगाया जाएगा। तो ये थी ड्राई एक्जिमा की ट्रीटमेंट। अब हम बात कर लेते हैं वेट एक्जिमा के बारे में। क्रॉनिक वेट एक्जिमा अगर है आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा है, पस भी साथ में है, इचिंग आ रही है और चमड़ी मोटी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परतें बनती है, ये सारी चीज़ें, अगर आपको वेट एक्जिमा है तो इसमें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, इसके बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले ऑइंटमेंट के बारे में हम बात करें तो ऑइंटमेंट में आपको बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट आता है, जिसमें कंटेंट रहता है बीटामिथाजोन और नियोमाइसिन। बीटामिथाजोन एक स्टीरोइड है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। इसका कॉम्बिनेशन वाला जो ऑइंटमेंट आता है वो आप लगा सकते हो। साथ में आपको कैलेमाइन लोशन यूज़ करना है, जो कि मॉइस्चराइजर के तौर पर आप कैलेमाइन लोशन यूज़ कर सकते हो। इसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा सीवियर होती है ड्राई एक्जिमा के मुकाबले, तो इसमें आपको एविल टेबलेट लेना है 25 मिलीग्राम का जो आता है, वो आप बीडी में ले सकते हो। साथ में कई कबार डॉक्टर बहुत ज़्यादा ईचिंग चलने पर रात को नींद भी नहीं आता, तो उसलिए ट्रैंक्विलाइजर या फिर सीडेटिव ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि टेबलेट अल्प्राजोलम 25 मिलीग्राम का जो टेबलेट आता है वो दिन में एक बार रात को सोने से पहले या तो फिर दिन में दो बार आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और भी टेबलेट्स आती है जिसमें स्टीरोइड टेबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें टेबलेट वाइसोलोन 5 मिलीग्राम का शॉर्ट कोर्स के लिए चलाया जाएगा
वो बीडी में आपको जनरली देते हैं 5 दिनों के लिए और आगे भी चला सकते हैं, लेकिन वो बाद में बंद किया जाएगा। बहुत लंबे समय तक स्टीरॉइड आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। और टेबलेट में एंटीबायोटिक्स टेबलेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें टेबलेट एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम बीडी में या फिर टीडीएस में 3 या 5 दिन के लिए चलाया जाता है। एंटीबायोटिक टेबलेट्स कुछ और भी हो सकती है, वो डॉक्टर्स अलग अलग हो सकती है, कोई हर एक डॉक्टर सेम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करता है। और कुछ इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स भी आती है जो कि एक्जिमा में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि मिथोट्रेक्सेट है या तो फिर डुपिलुमाब है। ये सारे इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स है जो कि डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं। जो भी हमने ये ट्रीटमेंट बताई है आपको, ये आपको अपने आप से नहीं लेनी है। आप अपने आप क्या कर सकते हो घर पर, तो मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, सेट्रिजिनिया लिवोसेट्रिजिनिया एविल, ये ओटीसी प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हो खुजली को बंद करने के लिए। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट हमने जो सारी बताई है वो आपको अपने आप से नहीं लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें स्टीरॉयड वगैरह है, एंटीबायोटिक्स है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आप अपने आप से ना ले तो बेहतर है, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। तो होप आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।